Hello students, so this is Neha Soni from Bharti Group of College. ये जो topic है वो है PE second sem जिनका subject है PPS, उनका एक topic है what is searching and shorting. Searching और shorting algorithm किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर सर्चिंग किसको बोलते हैं और शॉर्टिंग किसको बोलते हैं. तो सर्चिंग के डेफिनेशन पे जाऊँ तो अपन कोई चीज़ को सर्च करते हैं बोलते हैं, तो सेम इसी प्रकार हमारे पास एक लिस्ट गिवन दिया रहता है या एरे रहता है, उसमें कोई भी डेटा को जो है मतलब सर्चिंग एल्गोरिथम इसलिए डिज़ाइन करके रखे रहते हैं ताकि चेक कर सके कि वेदर एन एलिमेंट इज़ प्रेजेंट, या कोई डेटा को रिट्रीव करना फ्रॉम दी गिवन एरे और लिस्ट. इसको हम बोलते हैं सर्चिंग प्रोसेस. जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है वहाँ से हमको कोई डेटा को सर्च करना या डेटा को रिट्रीव करना है, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग प्रोसेस. तो इस प्रोसेस को जो सर्चिंग प्रोसेस है बेसिकली आपके दो टाइप में क्लासिफाइड हैं. पहला है आपका सिक्वेंशियल सर्च और दूसरा है आपका इंटरवल सर्च. अगर मैं सिक्वेंशियल सर्च की बात कर रही हूँ तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो गिवन लिस्ट है ना, या लिस्ट है या एरे है, उसमें जो आपका जो डेटा एलिमेंट रहता है वो सिक्वेंशियली प्रेजेंट रहता है. ओके, हम उसको सिक्वेंशियली ट्रैवर्स कर सकते हैं और जो एलिमेंट आपका रहता है वो लीनियर वे में प्रेजेंट रहता है. ओके, जैसे एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से आपके पास डेटा प्रेजेंट रहेगा, उसमें से आपको वन बाय वन सर्च करना है. सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है लीनियर सर्च. सपोज मेरे पास एक एरे है 1, 2, 7, 18, 21. तो सपोज मेरे को कोई एक एलिमेंट सर्च करना है 7, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से स्टार्ट करूंगी. पहले जो मेरे को सर्च करना है वो आपका रहेगा आइटम जो है 7, उसको बस कंपेयर करूंगी क्या ये इक्वल है क्या नहीं है. देन हमारा टास्क किस पे चला जाएगा, नेक्स्ट. फिर उसके बाद किस पे चला जाएगा, नेक्स्ट. अब यहाँ पे आपका जब डेटा फाउंड हो गया, यस आइटम इज इक्वल टू डेटा जो आपको सर्च करना है, तो वहां पे आपका लोकेशन फाउंड हो जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च, जो वन बाय वन लीनियर वे पे हमको सर्चिंग करना है. सेकेंड है आपका इंटरवल सर्च. इंटरवल सर्च इसको बोलते हैं कि आपके पास एक शॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, इंक्रीज्ड वे पे एक शॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, उसमें आपको ये सॉर्टिंग करनी है, ये सर्चिंग करनी है. एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल सर्च, आपका ये जो इंटरवल सर्च है वो ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि लीनियर सर्च में आप अगर सिक्वेंशियल सर्च की बात करें तो आप क्या कर रहे हो, सपोज यहाँ पे तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अगर इसमें 100 या 1000 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और आपका डेटा सपोज 998 इस पोजीशन पे है, तो आप एक एक करके सर्च करोगे तो टाइम टेकन बहुत हो जाता है. बट अगर मैं इंटरवल सर्च की बात करूँ तो ये क्या होता है कि आपका जितना भी गिवन डेटा रहता है उसको डिवाइड बाय 2 करता है, उसके बाद कंपेयर करेगा कि जो डेटा आपको सर्च करना है वो आपके डेटा के लेफ्ट पार्ट में है कि राइट पार्ट में. इस कारण से ये जो रहता है डेटा जो प्रेजेंट रहता है वो शॉर्टेड रहता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो मिडिल का जो डेटा है उसके लेफ्ट पार्ट में आ रहा है कि उसके राइट पार्ट में आ रहा है. तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका बाइनरी सर्च. तो बाइनरी सर्च इज मोर एफिशिएंट देन लीनियर सर्च. इस प्रकार से हम सर्चिंग को करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम शॉर्टिंग किसको बोलते हैं. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी हमने देखा कि सर्चिंग किसको बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा शॉर्टिंग. शॉर्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास गिवन डेटा दिया रहता है, हमको उसको क्या करना रहता है, रीअरेंज करना रहता है. ओके, रीअरेंज करना रहता है जो भी आपका एरे है या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उसको हमको क्या करना है, रीअरेंज. किसको यूज करके करना है, हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर रहता है, क्योंकि आप किसी भी एरे को या लिस्ट को रीअरेंज किस बेसिस पे करेंगे, ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ एक टारगेट वैल्यू रखेंगे या कुछ आपको एक कंपैरिजन रहेगा कि इस वैल्यू को इससे बड़ा रहना चाहिए कि छोटा रहना चाहिए. तो हम हमेशा शॉर्टिंग प्रोसेस जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेसिकली करते हैं. तो हमको क्या करना है, शॉर्ट करना है, तो हम क्या वैल्यू लेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर. तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बेसिस पे आपका शॉर्टिंग प्रोसेस जो है वो आगे वर्क करता है. और जो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है वो ये डिसाइड करता है कि अब जो न्यू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है उसको हम कैसे और आगे एनहेंस करेंगे. तो शॉर्टिंग टेक्निक्स आपके बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे बबल शॉर्ट हो गया, रेडिक्स हो गया, इंसर्शन हो गया, सिलेक्शन शॉर्ट हो गया, मर्ज शॉर्ट हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया,
तो सब अलग अलग कंसेप्ट पे बेस्ड रहते हैं. जैसे अगर मैं क्विक शॉट की बात करूँ तो क्विक शॉट आपका किस पे बेस्ड रहेगा? डिवाइड एंड कॉन्कर मैथड पे बेस्ड है, जिस पर रिकर्शन भी आपका यूज होता है. आपका मर्ज शॉट बोलूँ तो आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके जो डेटा है उसको कंबाइन करके एक हमको एरे बनाना रहता है, उसको हम बोलते हैं मर्ज शॉट बोलते हैं. बबल शॉट है, बबल शॉट सबसे ईजी और सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है जिसमें आप डेटा को ईजिली शॉर्ट कर सकते हो. तो हम जो आप पढ़ेंगे वो है, सबसे पहला है बबल शॉट. तो बबल शॉट पे जाऊंगी. इट इज द सिंपलेस्ट सर्चिंग, इट इज द सिंपलेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिदम इन विच आप क्या करते हो, एक आपके पास गिवन एरे दिया हुआ है या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आपको क्या करना है, रिपीटेडली कंटिन्यूसली चेक करना है कि एडजेसेंट एलिमेंट्स के साथ कि वो अगर उससे बड़ा होगा. सपोज मेरे पास नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगी, ए वन एलिमेंट को ए टू एलिमेंट के साथ चेक करूँगी. क्या ए वन एलिमेंट ए टू से छोटा है? अगर ए वन एलिमेंट छोटा है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं. फिर अगेन ए टू और ए थ्री को चेक करूँगी. अगर इसमें से ए थ्री आपका स्मॉलर है ए टू से, तो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे डेटा स्वैप हो जाएगा. तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपको एक शॉर्टेड डेटा एलिमेंट ना मिल जाए, उसको हम बोलते हैं बबल शॉट. तो चलिए देखते हैं बबल शॉट को एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे करेंगे. तो एक एग्जांपल लेते हैं बबल शॉट के लिए. तो अकॉर्डिंग टू बबल शॉट हमको क्या करना है कि सपोज मेरे पास एलिमेंट है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव अप टू क्या है आपके पास एलिमेंट ए है. ओके, तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, साइज ऑफ द एरे. ओके, एन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रहेगा आपका साइज ऑफ द एरे. ये एरे के अंदर के इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं. ओके, अब आपको इसमें क्या एक चीज करनी है, के के को हम बोलते हैं पास. मतलब सपोज आपके पास एट एलिमेंट्स अगर एरे में प्रेजेंट है, तो हमारा जो शॉर्टिंग जो है एल्गोरिदम चलेगा कब तक चलेगा, एन माइनस वन तक. ओके, दैट इज कॉल्ड पास. आपका पास कब तक चलेगा, एन माइनस वन. तो सपोज मेरे पास अगर एट एलिमेंट्स हैं तो आपका पास कब तक चलेगा, सेवन पास तक. ये भी हो सकता है कि आपको फोर्थ पास में आपका पूरा डेटा शॉर्टेड हो जाए. तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको एक पास और चलाना है ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए कि उस पास में आपका पूरा एलिमेंट्स ऑलरेडी शॉर्टेड में है, तो हम वहां पे स्टॉप कर सकते हैं. बट अगर जब बात आती है कि आपका डेटा शॉर्टेड नहीं हुआ है, तो आपका पास तब तक चलेगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक माइनस आप करोगे तो आपका उतने नंबर ऑफ पास चलेंगे. अब हमको क्या करना रहता है बबल शॉट में कि हमको सबसे पहले ए वन वैल्यू को ए टू वैल्यू के साथ कंपेयर करना है. ए वन वैल्यू को ए टू वैल्यू के साथ कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि हमको अगर ए टू की वैल्यू स्मॉलर देन ए वन है तो हमको क्या करना है, इंटरचेंज. तो ए वन को हम चेक करेंगे ए टू के साथ. अगर ए टू की वैल्यू, ए वन की वैल्यू ग्रेटर देन ए टू है तो आपका वैल्यू क्या होगा, इंटरचेंज होगा. अगर आपका ए वन की वैल्यू और ए टू की वैल्यू सॉर्टेड वे में है, सपोज ये वन है और ये टू है, तो आप चेक करोगे वन क्या वन टू से बड़ा है क्या नहीं है, मतलब ये शॉर्टेड है. अगर वही बात मैं बोलती हूँ ए टू और ए थ्री की वैल्यू, तो यहाँ पे आप सपोज ले लिए वन अगेन, तो क्या होगा कि ए टू और ए थ्री में क्या है, ए थ्री की वैल्यू छोटी है, तो ये इंटरचेंज होगा. तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम बबल शॉट को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे. मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे देखिए 51428 ये मेरे पास एक डेटा है. ठीक है, डेटा है. अब इसमें एन आप देखिए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, फाइव. ये आपका हो गया ए वन, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए थ्री, ये हो गया ए फोर और ये हो गया आपका ए फाइव. ओके, तो सबसे पहले पास, जब आपका पास का वैल्यू वन है, ये हो गया आपका फर्स्ट पास. ओके, तो फर्स्ट पास में देखिए हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 51428. अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर करूंगी ए वन वैल्यू को
A2 वैल्यू से। अब देखो यहाँ पे 5 और 1 के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, तो ऑब्वियसली 1 आपसे आपका 5 से छोटा है, तो हमको क्या करना है वहां पे वैल्यू को इंटरचेंज करना है। तो अब आपका क्या हो गया 1, 5, 4, 2, 8, ये आपका नेक्स्ट आपको मिला वैल्यू। ओके, पहले ही पास कब तक चलेगा, जब तक आपका एक वैल्यू लास्ट तक सेट ना हो जाए। मतलब सबसे पहले हमको जो फर्स्ट पास में हमको क्या मिलता है कि एक वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है वो शॉर्टेड मिलती है। अब हम वापस लिखे 1, 5, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखे 1, 5, 4, 2, 8। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये दोनों तो चेक हो गया, अब हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, दैट इज A2 विद A3। अब यहाँ पे देखिए 5 आपका 4 से क्या है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली फिर से आपकी वैल्यू क्या होगी, इंटरचेंज होगी। तो 1, 4, 5, 2, 8, तो ये आपकी वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हुई, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी इंटरचेंज हुई। अगेन आप इस वैल्यू को लिखोगे 1, 4, 5, 2, 8। अब हम किसको करेंगे कंपेयर, A3 वैल्यू को किससे करेंगे, A4 वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 1, 4, 2, 5, 8, क्योंकि आपका 2 जो है 5 से छोटा है करके वो क्या होगा, इंटरचेंज होगा। तो आपका ये वाला जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। अगेन नेक्स्ट कंपैरिजन हम करेंगे वो हो जाएगा 1, 4, 2, 5, 8। अब कंपैरिजन होगा आपका A4 वैल्यू का A5 वैल्यू के साथ, आपको फिर क्या मिला, वैल्यू नो चेंजेस, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या हो गई, जो 5 है वो 8 से आपका स्मॉलर है, तो वो एज इट इज अपने ही पोजीशन में रहेगा। तो हमको फर्स्ट पास में जो वैल्यू मिली है 1, 4, 2, 5, 8, अब इसको हमको क्या करना है, नेक्स्ट पास के लिए फिर से प्रोसीड करना है। ओके, तो अब इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पास के लिए। अब आपका हो गया पास नंबर 2, ये हो गया आपका पास 2। ओके, तो अब पास 2 में हमारे पास जो वैल्यू है 1, 4, 5, 1, 4, 2, 5, 8, अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन इंटरचेंज करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, 1 को फिर से सेम प्रोसेसर रिपीट होगा, आपको अगेन A1 से A2 वैल्यू को कंपेयर करना है, तो आपको क्या मिला, 1 और 4 में 1 आपका स्मॉलर है तो नो चेंजेस आएंगे, तो ये हो गया 1, 4, 2, 5, 8, जो आपका कंपेरिजन था वो ये दोनों के बीच में था। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे 1, 4, 2, 5, 8, अब आपका A2 के साथ A3 के साथ होगा कंपेयर। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो A2 है वो ग्रेटर देन है A3 से, तो वैल्यू आपकी क्या होगी, इंटरचेंज होगी। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4, 5 एंड 8, अब यहाँ पे देखिए ये आपका इंटरचेंज हो गया। अब नेक्स्ट आपका है 1, 2, 4, 5, 8, अब हम कंपेयर करेंगे किससे, A3 से A4 के साथ। यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, 4 छोटा है 5 से, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये 1, 4, 5, 8। ओके, तो ये आपका चेंजेस नहीं हुआ। अगेन हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप देखिए 1, 2, 4, 5, 8, अगेन आपका जो लिस्ट है वो क्या हो गया, शॉर्टेड लिस्ट है। अब यहाँ पे हमको तो समझ में आ गया कि आपका एल्गोरिदम के हिसाब से ये आपका जो डेटा है वो शॉर्ट हो चुका है, बट क्या है, हमको पास कब तक चलाना है, मैंने आपको पहले बताया कि आपका जितने नंबर ऑफ गिवन, आपका नंबर ऑफ डेटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5, तो आपका पास जो है कितना तक चलेगा, N-1, दैट इज इक्वल टू 4, बट हमारा पास 2 में ही क्या हो गया, डेटा शॉर्टेड हमको मिल गया। बट इस चीज को समझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पास और बताना पड़ेगा, सेम चीज को फॉलो करेंगे तो थर्ड पास से क्या शॉर्टी हो जाएगी, कि अब क्या है, डेटा और प्रोसेस नहीं होगा, ये जो है यही आपका शॉर्टेड वे पे रहेगा। तो इस तरीके से हम बबल शॉर्ट को प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं इसमें और आगे क्या करते हैं। तो फिर ये आपका सेकंड पास तक हो गया, बट हमको पता चल गया कि यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या हो गया, जो एरे है वो शॉर्टेड है, बट एल्गो को ये बात नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हमको क्या करना है, एक और पास फॉलो करना है। तो अब हम किस पे आए, पास 3 में आए। अगेन आपको सेम प्रोसीजर करना है, आपको पास 2 में जो लास्ट वैल्यू मिली वो ये मिली, दैट इज 1, 2, 4, 5, 8। अगेन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंपेयर करेंगे A1 को A2 से, तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी 4, 5, 8। देन हम अगेन कंपेयर करेंगे
किसको A2 को A3 के साथ, A2 को A3 के साथ कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज रहेगा। देन हम फिर से कंपेयर करेंगे A4 को A3 को A4 के साथ, तो हमारे पास अगेन कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका जो एरे है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको डेटा अपना शॉर्ट करना है यूजिंग बबल शॉर्ट। तो आप देखेंगे कि अगर ये डेटा बड़ा रहता तो उसमें आपको और भी चेंजेस करने को मिलते, तब आपका पास जो है n-1 तक चलता। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको सेकंड पास में ही आपको शॉर्टेड लिस्ट मिल गई थी, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक पास और चला के देखा कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है, इस कारण से हम इसको यूज किए। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्चिंग क्या होता है, शॉर्टिंग क्या होता है। सर्चिंग हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज लीनियर सिक्वेंशियल सर्च और आपका इंटरवल सर्च। सिक्वेंशियल सर्च आपका लीनियरली होता है और इंटरवल पे आप जो भी आपका एलिमेंट्स है उसको डिवाइड बाय टू करके आप डेटा सर्च करते हैं। देन हम शॉर्टिंग पे आए थे। शॉर्टिंग क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग अ कंपेरिजन ऑर्डर ऑपरेटर। जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो आपको बताएगा कि आपको न्यू फॉर्म और कैसे करना है। तो इस तरीके से हमने आज ये टॉपिक पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा कोई शॉर्टिंग प्रोसेस देखेंगे। ओके, थैंक यू।